फरीदाबाद पिछले 5 सालों से प्रथला विधानसभा में विकास कार्यों के लिए एक भी पत्थर नहीं लगाया गया, जिसके चलते प्रथला विधानसभा क्षेत्र के सभी रास्ते जर्जर पड़े हैं और लोग जर्जर रास्तों के चलते परेशान हैं। कई बार स्थानीय विधायक को गुहार लगाने के बावजूद इलाके का विकास नहीं हो पाया है। मौजूदा विधायक के 3.5 साल बीत जाने के बावजूद भी विधायक साहब ने एक बार भी इलाके की तरफ मुड़कर नहीं देखा, जिससे परेशान लोग टूटी फूटी रोड के ऊपर से चलने के लिए मजबूर हैं। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम सर आपका? कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, कौन सा गांव है ये? डीग गांव है, डीग से पहलादपुर रोड है। पहलादपुर रोड है। रोड के हालात बिल्कुल खराब हैं। कितना लंबा रोड है और कितने समय से जो है खराब पड़ा हुआ है? ये लगभग 2 किलोमीटर का रोड है डीग से पहलादपुर के लिए, और लगभग इसको 4-5 साल हो गए इसी तरीके से खराब है। बहुत गंदा बुरा हाल है। ट्रैफिक चलती है, बसेज आती हैं, डंफर आते हैं, रोडे पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, वो ट्रक से और उसकी वजह से उछट उछट कर लोगों के घरों में जा के लगते हैं। कई बारी हमको भी लग चुके हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। मतलब कि जो रोड है वो हादसे को नौता दे रहा है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। कई दफ़े तो ऐसा होता है लेडीज़ हैं वो स्कूटी लेके आती हैं, किंकड़ी हुई पड़ी है, नीचे ब्रेक लेती हैं, गाड़ी रुकती नहीं है, स्लिप हो जाती है, गिर जाती हैं। किसकी कमी मानते हैं उसमें जो रोड नहीं बन पा रहा है? बहुत लोगों की कमी है भाई, गवर्नमेंट की भी कमी है, गवर्नमेंट ने जो बंदे छोड़ रखे हैं उनकी भी कमी है। आते हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करके चले जाते हैं, अपना रिकॉर्ड में दिखा देते हैं, हाँ भाई रोड बन गया हमारा। कई बार कंप्लेन भी कर रखी है, विधायक को भी बोल रखा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या विधायक कभी आया? कभी नहीं आया। वो आएगा तो रोड बन जाएगा ना भाई, वो तो आता ही नहीं है, वो तो बन गए, एक बार बन गए बस। तो जनता कहीं ना कहीं इस रोड से काफ़ी परेशान है? काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है। मेन रोड माना जाए गांव का? बिल्कुल माना जाए मेन रोड, और यहां से मांदकोल जनौली तक के लोग आते हैं भाई, और पलवल भी लोग जाते हैं, बहुत जनता जाती है यहां से। पलवल बहुत नज़दीक पड़ता है यहां से, 8 किलोमीटर के लगभग पड़ता है यहां से, तो लोकल जो लोग हैं वो यहां से पलवल जाते हैं खूब। पर रोड की इतनी गंदी हालत है, बहुत ज़्यादा गंदी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनीता है। कौन सा रोड है और कौन सा गाँव है ये? डीग से पहलादपुर के लिए रोड है, जरा ये पलवल के लिए भी 2-3 गांव से होते हुए सभी लोग परेशान हैं, ज़्यादातर पहलादपुर वाले हैं, क्योंकि उनका तो रोज़ का आना जाना है। और देखो रोड की हालत कितना बढ़िया, रोड अब फूटे पड़े हैं ऐसे, तो भैया कहीं मिस्त्री चिनाई करे जब भी ना गेरे। कभी सरकार के जो भी कोई की कर्मचारी हैं जिसके भी अंडर ये सड़क आ रही है, जरा सा भी ध्यान ना दे, पहलादपुर और डीग बहुत परेशान है। इसी कब से खराब पड़ा हुआ है रोड ये? तो भाई कोई एक बार भी ना बना जब तक नैन पाल आए हो, जब से नहीं बना बिल्कुल भी ना, कोई ठेकली लगान भी ना है बना की। क्या विधायक साहब के पास कभी गुहार लगाई इस रोड को लेकर? कितने लगा दी लेकिन समाधान कुछ नहीं मिला, कोई सुनवाई ना हो, कोई एक बार भी ना देखना ना आए भाई, देखे तो सही चल कर। इतना बुरा हाल है, बहुत ज्यादा परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ रही है। भी है, सुने भी है, लड़की भी है, रात अंधेरे बड़े बूढ़े घूमन आवे उनने भी है, सबने परेशानी भाई। अभी तो बारिश ना, बारिश हो जाएगी तो हम जोड़ भर जाए।